हेलो दोस्तों, हिंदी हॉरर स्टोरीज चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको मौत के साए की एक सच्ची भूतिया घटना सुनाने जा रहा हूँ। तो बिना देरी किए शुरू करते हैं आज की इस कहानी को। अब रमेश शांत है। डर ने उसको हमेशा के लिए चुप करा दिया है। अब सब पहले जैसा कहा था। ऐसा लगता है मानो डर हमेशा के लिए घर कर चुका था रमेश के सीने में, दिमाग में, उसकी आँखों में। रोज डॉक्टर के चक्कर बंद हो गए हैं। अब तो सबने हार मान ली थी, पर केदार के जाने से पहले ऐसा नहीं था। सब कुछ नॉर्मल था। रमेश आज जैसा है वैसा नहीं था, बिल्कुल नहीं था। ये तब की बात है जब रमेश एक स्टील प्लांट में नौकरी करता था। प्लॉट काफ़ी बड़ा था। जॉब करने वालों लोग बहुत ही ज़्यादा थे। आसपास के लोगों के लिए ये प्लॉट रोजी रोटी देता था। इसी के चलते रमेश भी शादी के बारे में सोचने लगा था। पिछले ही साल उसने अपना पुराना मिट्टी का घर तोड़ के पक्का मकान बनाया था। रमेश और केदार साथ में आते जाते थे। कभी साथ में उनकी शिफ्ट भी होती थी। केदार उसके चाचा का लड़का था, वो पास में ही रहता था। केदार भी बहुत मिलनसार लड़का था। वो गर्मी के दिन थे। आज दोनों दोपहर की शिफ्ट में काम कर रहे थे। केदार रमेश से कहता है, अरे रमेश, तू कंट्रोल रूम जा, मैं साइट पे देख के आता हूँ, देखता हूँ सब ठीक है क्या वहाँ। रमेश बोलता है, हाँ यार, ये लेबर ध्यान नहीं देते और बॉस हमको गाली देगा, इसलिए खुद से देख लो, सब कन्वेयर बेल्ट सही तो है। इतना बोल के केदार हेलमेट पहन के साइट पे चला जाता है और रमेश कंट्रोल रूम में जाता है। रमेश के कंट्रोल रूम पहुंचते ही वहां मिश्रा जी आ जाते हैं। मिश्रा जी केदार और रमेश के सीनियर हैं, पर रहते दोस्त जैसे हैं। अरे बाबू रमेश, पहले मिठाई खाओ यार। मिश्रा जी मिठाई का पैकेट खोलते हैं। रमेश कहता है, मिश्रा जी क्या बात है, बहुत खुश हो आज, कोई लॉटरी तो नहीं लगी? मिश्रा जी कहते हैं, अरे बाबू मेरी गुड़िया है ना, वो क्लास में फर्स्ट आई है, वो डॉक्टर बनेगी कहती है, इसलिए मैं बहुत खुश हूँ। बातों में दोनों इतने गुम हो जाते हैं कि स्क्रीन पे अचानक एक बटन दब जाता है। वहाँ साइड पे केदार जहाँ खड़ा था, वहाँ का गरम डस्ट का चेम्बर खुल जाता है और डस्ट नीचे गिरती है। केदार भागता है, पर डस्ट उसको अपने आगोश में ले लेती है। लोग पानी लेके दौड़ते हैं और बहुत देर हो जाती है। केदार का शरीर पूरा गल जाता है। उसको दबे हुए डस्ट से बाहर निकालते ही उसका गला हुआ शरीर देख रमेश बहुत ज़्यादा डर जाता है और बेहोश हो जाता है।
केदार के बॉडी से चमड़ी गायब रहती है और बाकी सिर्फ कंकाल रहता है। ऐसा हादसा यहाँ अक्सर होते थे, पर आज ऐसा होगा पता ना था। इधर हॉस्पिटल में रमेश को होश आता है। मिश्रा जी और रमेश के घर वाले वहाँ होते हैं। उनको देखते ही रमेश रोने लगता है। मुझे माफ़ कर दो, ये मेरी गलती से हुआ, मुझे माफ़ कर दो केदार। काफ़ी दिनों तक केदार का हादसा रमेश भूल नहीं पाता। डॉक्टर को दिखाना चालू था। हंसमुख रमेश अब गुमसुम रहने लगा था। प्लॉट जाता था पर वो बात याद आती थी तो डर जाता था। वो अब हनुमान चालीसा पढ़ने लगा था क्योंकि नाइट शिफ्ट में उसका सामना उस जगह से होता था जहाँ वो हादसा हुआ था। हनुमान चालीसा वो अपने सीने के पास अपनी जेब में रखता था। एक दिन नाइट शिफ्ट चल रही थी, रमेश को आज शिफ्ट संभालना था। उसको एक ऑपरेटर के साथ काम करना था। ऑपरेटर को रूम में रख के वो साइड पे देख रहा था। रमेश घूमते घूमते एक ऊंचे टावर पे गया। यहाँ से प्लॉट पूरा दिख रहा था। लाइट की वजह से सब कुछ साफ दिख रहा था। अचानक कुछ हिला, रमेश संभल गया तो फिर से हिलना चालू हुआ। देख के विश्वास नहीं हुआ, पर इतने बड़े लोहे के पोल हिल रहे थे, ना हवा थी ना भूकंप। रमेश दौड़ता हुआ नीचे आया, सब वाक्या अपनी साथी को बताया। वो हंसने लगा डर के मारे। रमेश रात भर साइट पे गया ही नहीं। दूसरे दिन नाइट शिफ्ट थी, आज साइट पे क्लिनिक चल रहा था और क्लिनिक भी परमाणु बम वहाँ पे फोड़े जा रहे थे, छोटे वाले, दिवाली वाले। पूर्णिमा की रात थी, आज चांद खुल के निकला था। रात कुछ 2 बज रहे थे। इस वक्त टी ब्रेक होता था, पर आज मैनेजर के ब्रेक बदलने के कारण रोक लिया गया सबको। अचानक अजीब सी आवाज़ आई और वहाँ का लोहा का ढांचा हिल गया। और देखते ही देखते वो लोहा का ढांचा लेबर के ऊपर गिर गया। 4 लोग दब के मर गए। सबकी चीखें रमेश के सामने निकली थी। खून बाहर बहने लगा था और ऊपर देखा तो क्या, ऊपर केदार का साया था, मानो हवा में लटक रहा था। ये देखकर तो रमेश की जुबां सूख गई, वो हिल भी ना पाया। केदार की प्रेत आत्मा का चेहरा देख के रमेश की आंखों में खून जम गया। केदार की आत्मा ने जोर से चीख निकाली। ऐसा लगा जैसे कान फट जाएंगे। जोर से हवा चलने लगी, कुछ दिख भी नहीं रहा था। ऐसा लग रहा था कि आज सबका अंत हो जाएगा। इतने में मिश्रा जी आ गए वहाँ पे, वो भी शिफ्ट में थे आज। अब केदार की आत्मा ने अपना रुख मिश्रा जी की तरफ मोड़ा। मिश्रा जी कुछ करते कि उसकी ऊपर बड़ा सा लोहे का रॉड आके लगा, वो वही ख़त्म हो गए। उनके खून से हमेशा रमेश पूरा हिल गया ही चुका था। इतने में वहाँ सिक्योरिटी वाले आ गए।
वो खूनी मंजर देखकर उनकी भी सांस रुक गई थी। उन्होंने रमेश को वहाँ से उठाया और उसे अंदर ले गए। बाद में पुलिस पहुँच गई। केदार की रूह अब लोगों को मारने लगी थी। वो बहुत गुस्से में थी। उस रात शायद हमेशा का डरावना रात हो गया था और रमेश का नंबर था, पर बच गया वो और बेचारा लेबर मारे गए। मौत का साया मंडरा रहा था अब सब पर। रमेश को अब दूसरे दिन होश आया। वो खुद को हॉस्पिटल में पाता है। अब रमेश काम पे ज़्यादा नहीं जाता। उसके डर के मारे नींद उड़ गई थी। उस रोज़ के बाद से हादसे चालू होने लगे थे। प्लॉट में केदार की रूह किसी को चैन से रहने नहीं दे रही थी। मिश्रा जी की भी मौत हो चुकी थी। उन्होंने उसको भी नहीं छोड़ा था। शायद केदार की रूह सबको उसकी मौत का जिम्मेदार मानती थी। अब प्लॉट बंद है। सुना है वहाँ होम हवन चल रहा था। पूरा दिन पूजा चालू रहती थी, पर उसके बाद भी वह काम ना हो सका। कुछ दिन बाद ही मालिक की अचानक मौत हो गई। लोगों का कहना है कि उसको भी केदार की रूह ने मारा। कुछ सुराग हाथ नहीं लगा अभी तक। रमेश अब पागल सा हो चुका है। कुछ बोलता नहीं। डर के मारे हमेशा उसकी आंखों में नज़र आती है वो खौफनाक रात, मानो उसने खुद की मौत देखी हो। तो कहानी यहीं पे ख़त्म होती है। काफ़ी लंबी स्टोरी थी, लेकिन फिर भी अगर पसंद आई है तो लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। पता है ये वीडियो मेरे को 2 बार बनाना पड़ा। दूसरी बार चल के ये थोड़ा ठीक से बन पाया है। फिर भी चलो ठीक है, चलते हैं। बाय, गुड नाइट।